कुमकुम भाग्य सीरियल में प्रज्ञा का किरदार निभा रही एक्ट्रेस श्रुति झा आज टीवी की एक सफल एक्ट्रेस है, जिन्होंने काफी स्ट्रगल कर अपनी मेहनत के दाम पर एक के बाद एक हिट शो देकर टीवी की एक सफल एक्ट्रेस का खिताब हासिल किया है। लेकिन आज ये जिस मुकाम पर है वो सफलता इन्होंने हासिल की है और उसका सारा श्रेय ये किसी और को ही देती है, जिन्हें ये अपना इंस्पिरेशन मानती है और कहती है कि आज अगर ये जो भी कुछ बन पाई है तो केवल उसी शख्स की वजह से, और ये अपना इंस्पिरेशन मानती है। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको उसी शख्स से रूबरू कराने वाले हैं जो इनके इंस्पिरेशन है। अगर आप भी जानना चाहते हैं उनके बारे में तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। साथ ही इनके लिए इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक आम अभिनेत्री से टीवी की मशहूर अभिनेत्री बनने तक का सफर अभिनेत्री श्रुति झा ने अपनी मेहनत के साथ साथ तय किया था और इनकी मेहनत सभी ने देखी थी, इसलिए तो सभी इनकी एक सफलता का श्रेय इनकी मेहनत को देते हैं। पर इनका मानना तो कुछ और ही है, ये अपनी मेहनत का सारा श्रेय एक शख्स को देती है जिन्हें अपनी इंस्पिरेशन मानती है, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि टीवी की क्यून कही जाने वाली एकता कपूर है। जी हाँ, वही है इनकी इंस्पिरेशन, जिन्हें अपनी सफलता का सारा क्रेडिट देती है। अब ये उनको ही अपनी इंस्पिरेशन क्यों मानती है, इसके पीछे की बड़ी वजह है वो ये है कि एकता कपूर वही शख्स है जिन्होंने इनके करियर को तेजी से रफ्तार दिलाई है। क्योंकि ये जब कुछ शो करने के बाद हिट एक्ट्रेस बन गई थी, कुछ समय बाद इनका करियर डाउनफॉल ऊपर आ गया था, तब एकता ही इनकी जिंदगी में एक नई उम्मीद बनकर आई। उन्होंने इन्हें कुमकुम भाग्य के शो में प्रज्ञा का लीड रोल देकर अपने शो के लीड एक्ट्रेस बनाया, जिसकी वो खुद प्रोड्यूसर थी। और सभी जानते हैं कि कुमकुम भाग्य के शो में प्रज्ञा का किरदार निभाने के बाद इनका करियर किस तरह से तेजी से आगे बढ़ता गया था। प्रज्ञा का किरदार निभाकर ये हर घर की फेवरेट एक्ट्रेस बन गई थी। घर घर में प्रज्ञा के रूप में इनके चर्चे थे और पिछले 6 सालों से आज तक चल रहे हैं। इसी तरह सही मायने में इन्हें सफलता मुकाम कुमकुम भाग्य शो से ही मिली थी। अब जब कुमकुम भाग्य शो के साथ इन्हें सफलता मिली तो इससे इन्होंने टीवी के सफल एक्ट्रेस बनने का सारा क्रेडिट कुमकुम भाग्य शो के प्रोड्यूसर एकता कपूर को दे दिया, जिन्हें अपनी इंस्पिरेशन मानती है। अब तक ये उनके नक्श कदम पर चलकर आधी सफलता हासिल कर पाई थी, मगर इन्होंने इन्हें अपने शो में लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम देकर इनका करियर ही बना दिया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एकता कपूर को अपनी इंस्पिरेशन मानकर अपनी सफलता का सारा क्रेडिट देना सही है या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही अनसुनी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।